हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम राजेश कुमार और आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर आप पेज में आप कलर कैसे दे सकते हैं और उसका पेज बॉर्डर आप कैसे दे सकते हैं और उसमें पेज बॉर्डर को आप रिमूव भी कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बहुत ही इजी है एमएस वर्ड में पेज में कलर डालना और पेज बॉर्डर देना और पेज बॉर्डर को रिमूव करना यानी कि हटाना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो आपके तक आसानी से पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद वो सिंपली आपको जाना है होम टैब इंसर्ट पेज लेआउट में जाना। आपको पेज लेआउट में जाने के बाद मान लीजिए कि हमको इसमें सिंपली हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप करने के बाद मान लीजिए हमको इसमें पेज कलर देना है। पेज कलर यहाँ पे देख रहे हैं वाटर मार्क के जस्ट ही बगल है, इसमें आप चाहिए पेज कलर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जिस तरीके से आपको जिस ढंग का कलर चाहिए आप यहाँ से आप ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। मान लीजिए हमको ये कलर लेना है। कलर देने के लिए आपको सिंपली आपको पेज कलर में जाना होता है। यहाँ से आप थीम कलर्स का यूज कर सकते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड कलर का यूज कर सकते हैं। यदि आपको और इसमें यदि आपको पसंद नहीं है तो मोर कलर में जाके भी आप देख सकते हैं, जिससे जैसा कलर चाहिए आपको ले सकते हैं आप। उसके बाद आपको मान लीजिए आपको नो कोई भी कलर नहीं चाहिए तो आप नो इसमें क्लिक कर दीजिए। कोई भी कलर चाहिए तो आप अपने चल से ये कलर लीजिए। उसके बाद इसमें हम सीखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर यानी कि इस पेज के अंदर हम इसका पेज बॉर्डर हम कैसे दे सकते हैं। पेज बॉर्डर देने के लिए सामने यहीं पे आपको इसी पे सिंपली आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं बॉर्डर एंड सेफिंग का एक डायलॉग बॉक्स खोलकर सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि सेटिंग्स में आप जाइए, यहाँ पे पेज बॉर्डर में जाइए। पेज बॉर्डर में जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नन अभी किया हुआ है, जिसके वजह से आपको पेज के अंदर आपको किसी भी तरह का इसमें आप बॉर्डर नहीं शो कर रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे पेज इसमें बॉक्स में जाना है। बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे किस तरह का बॉर्डर चाहिए, डॉट डॉट वाला चाहिए या ऐसा चाहिए, केस आपको जिस भी तरह का चाहिए, डबल लाइन चाहिए, ऐसा में चाहिए आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमको अभी फिलहाल ऐसा में चाहिए, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा आपको यहीं पे आपको शो कर देगा। प्रीव्यू में आप देखेंगे तो आपका जो पेज रहेगा पेज के चारों तरफ से आपको ऐसा शो होगा। इसका विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं, विड्थ आपको जितना विड्थ आप रखना चाहते हैं इसका, इतना पीटी रख सकते हैं, इतना डेढ़ जितना भी आपको पसंद है आप रख सकते हैं। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर ऑटोमेटिक में सेव है, ऑलरेडी सेव हुआ है। मान लीजिए हमको इसको रेड कलर में चाहिए तो यहाँ पे रेड कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे यदि टॉप बॉटम यदि इसका मार्जिन आपको देखना कि टॉप से हमको कितना पीटी लेना है, बॉटम से कितना, लेफ्ट से कितना, राइट से कितना पीटी लेना है, अपने अनुसार यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यदि आपको सेट नहीं कर रहे तो मत कीजिए। आपको यहाँ पे प्रीव्यू में आपको शो हो रहा है कि इतना इतना गैप छोड़ के आपको यहाँ पे ये बॉर्डर देगा। सो ओके कीजिए। देख रहे फ्रेंड्स, पेज का बॉर्डर कितना ही आसानी से हम दे सके यहाँ पे इस पेज बॉर्डर के ऑप्शन की मदद से।
और इसमें यदि आपको और डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन चाहिए आपको तो आप सिंपली लीजिए, यहाँ पे कोई भी कलर लीजिए। कलर लेने के बाद यहाँ पे पीटी यदि आपको और बढ़ाना है तो इसमें आप और पीटी बढ़ा दीजिए और ओके पी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। आप यदि खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आपको कहीं भी कोई भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, यहाँ पे यदि आर्ट यदि आपको लेना, कोई भी आर्ट लेना है, तो आप यहाँ पे जाके आपको आर्ट में नीचे में आप जाके आपको ये सब डिजाइनिंग आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमको ये वाला लेना है तो वहाँ पे देख रहे हैं सिंपली, इसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो देख रहे हैं सर डिजाइनिंग का आ गया। अब लास्ट इसमें बात करने वाले हैं, इसको इस पेज बॉर्डर को रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसमें सिंपल है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। सिंपल आपको सिर्फ नन पे आप क्लिक कर दीजिए, ऊपर वाला ऑप्शन में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। इसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए, ऑटोमेटिक बॉर्डर हट जाएगा, पेज का बॉर्डर हट जाएगा। बस आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि इसमें कुछ छूट गया, यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।